मेरे द्वारा उठाए गए बहुत ही अच्छा कदम है। हम बुजुर्गों के लिए खासतौर से जब रिटायरमेंट के बाद जब हम फ्री होते हैं तो ऐसे मौके हमें कम मिलते हैं, और हम अभी यहाँ देख रहे हैं जो अरेंजमेंट रेलवे द्वारा किया गया है बहुत ही अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं आशा करते हैं कि हमारे टूर सफल होगा। हम लोग इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री अशोक कुमार जी का, जो अश्वनी वैष्णव जी का रेलवे मंत्री जी, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया यात्रा शुरू करी है। अश्विनी जी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, और ये हम भी रहनी चाहिए, हम बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छी यात्रा है, चालू रहनी चाहिए। रेलवे द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। हम बुजुर्गों के लिए खासतौर से जब रिटायरमेंट के बाद जब हम फ्री होते हैं तो ऐसे मौके हमें कम मिलते हैं, और हम अभी यहाँ देख रहे हैं जो अरेंजमेंट रेलवे द्वारा किया गया है बहुत ही अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं आशा करते हैं कि हमारे टूर सफल होगा। हम लोग इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री अशोक कुमार जी का, जो अश्वनी वैष्णव जी का रेलवे मंत्री, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया यात्रा शुरू करी है। अश्विनी जी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, और ये हम भी रहनी चाहिए, हम बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छी यात्रा है, चालू रहनी चाहिए। रेलवे द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। हम बुजुर्गों के लिए खासतौर से जब रिटायरमेंट के बाद जब हम फ्री होते हैं तो ऐसे मौके हमें कम मिलते हैं, और हम अभी यहाँ देख रहे हैं जो अरेंजमेंट रेलवे द्वारा किया गया है बहुत ही अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं आशा करते हैं कि हमारे टूर सफल होगा। हम लोग इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री अशोक कुमार जी का, जो अश्वनी वैष्णव जी का रेलवे मंत्री जी, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया यात्रा शुरू करी है। अश्विनी जी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, और ये हम भी रहनी चाहिए, हम बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छी यात्रा है, चालू रहनी चाहिए। रेलवे द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। हम बुजुर्गों के लिए खासतौर से जब रिटायरमेंट के बाद जब हम फ्री होते हैं तो ऐसे मौके हमें कम मिलते हैं, और हम अभी यहाँ देख रहे हैं जो अरेंजमेंट रेलवे द्वारा किया गया है बहुत ही अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं आशा करते हैं कि हमारे टूर सफल होगा। हम लोग इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री अशोक कुमार जी का, जो अश्वनी वैष्णव जी का रेलवे मंत्री जी, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया यात्रा शुरू करी है। अश्विनी जी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, और ये हम भी रहनी चाहिए, हम बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छी यात्रा है, चालू रहनी चाहिए। रेलवे द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। हम बुजुर्गों के लिए खासतौर से जब रिटायरमेंट के बाद जब हम फ्री होते हैं तो ऐसे मौके हमें कम मिलते हैं, और हम अभी यहाँ देख रहे हैं जो अरेंजमेंट रेलवे द्वारा किया गया है बहुत ही अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं आशा करते हैं कि हमारे टूर सफल होगा। हम लोग इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री अशोक कुमार जी का, जो अश्वनी वैष्णव जी का रेलवे मंत्री जी, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया यात्रा शुरू करी है। अश्विनी जी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, और ये हम भी रहनी चाहिए, हम बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छी यात्रा है, चालू रहनी चाहिए। रेलवे द्वारा उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है। हम बुजुर्गों के लिए खासतौर से जब रिटायरमेंट के बाद जब हम फ्री होते हैं तो ऐसे मौके हमें कम मिलते हैं, और हम अभी यहाँ देख रहे हैं जो अरेंजमेंट रेलवे द्वारा किया गया है बहुत ही अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं आशा करते हैं कि हमारे टूर सफल होगा।